नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई के बारे में, दुबई के बारे में। जी हाँ, फ्लाइटों को लेके, वीज़ा एंट्री को लेके, वीज़ा अप्रूवल को लेके हम विजिट वीज़ा की बात करेंगे, हम वीज़ा एक्सटेंड की भी बात करेंगे, टिकट की भी बात करेंगे, पूरा सिस्टम तामझाम, पूरा भी जो भी आपके मन में क्वेश्चन है सब क्वेश्चन के आंसर्स इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। बस रिक्वेस्ट ये कि वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए कि आप लोग जो इंडिया में बैठे हैं उनके साथ क्या दुर्गति हो रही है, आगे आने वाले समय में भी आपके साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है, सब डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रख सकते हैं ताकि हर रोज आपको वीजा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई वीज़ा के बारे में। जी हाँ, आपको पता भाई, जो लोग जिनके वीज़ा वैलिड हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, जिनके वीज़ा वैलिड हैं, जो लोग अभी जाना चाहते हैं उसके लिए आपको आईसी अप्रूवल की मंजूरी की आवश्यकता। जी हाँ, ये एक्चुअल में आईसी अप्रूवल लगभग 11 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, और आज हो गई कितनी भाई, 3 अगस्त 2021, यानी पूरा एक साल हो गया आईसीए। एक अनपढ़ आदमी को भी पता लग गया कि एक आईसीयू होता है हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए, एक आईसीयू होता है, ये भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इसमें घर में भर्ती कर दिया भी सरकार ने, और आईसीयू में हॉस्पिटल में जाके भरना होता है, भर्ती होना होता है, बस सेम प्रोसेस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। जी हाँ, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आईसीए अप्रूवल की जरूरत, फिर भी आप अपडेट जरूर कर दें। अपडेट कहाँ करना है आपको, प्रवेश के लिए, कि भाई रियल में आपको प्रवेश मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ऐसे कर लें। एक उन्होंने एक वेबसाइट दी है uaeentry.ica.gov.ae। जी हाँ, इस पे आपको वैध वीज़ा, जिनके वीज़ा में अभी टाइम पड़ा है, वो लोग इस पे अपना इस ओपन करोगे इस वेबसाइट को, तो ये खुल के आपके सामने आ जाएगी। कोई भी आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, इस वेबसाइट को लगा के क्रोम ब्राउज़र में जाके आराम से हो जाएगी, गूगल में जाके आप कर सकते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे क्या डालना है, आपको आपका आईडी नंबर डालना है, जो वीज़ा का इमिग्रेट्स आईडी नंबर होता है ना, वो इसमें डालना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन डालना है पासपोर्ट नंबर डालना है। जी हाँ, पासपोर्ट कौन से प्रकार का, ये पूछा जाएगा, आपका पासपोर्ट डिप्लोमेटिक है या फिर आपका पासपोर्ट, अलग अलग तरीके से आते हैं ना पासपोर्ट, उसको डालना है। तो आपको अपना पासपोर्ट नॉर्मल वाला है वो उसमें डाल देना है। जी हाँ, बाद में पूछेगा जी आप कौन से देश के रहने वाले हैं, तो आप उसमें डाल दीजिए इंडिया, या आप जिस भी देश में हो। उसके बाद में आएगा आपके पास, आपको वेरीफाई करना है कि कहीं आप रोबोट तो नहीं हो, कैप्चा का एक निशान आता है, उसको आप ओके कर दोगे तो उसके तुरंत प्रभाव में आपको बता देगा कि आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वो डॉक्यूमेंट के आधार पे आप अपने को फैसला करना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। जी हाँ, दूसरी बात भाई, पाकिस्तान वाले लोगों के लिए एक न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि उनके वीज़ा रिन्यू सबके कर दिए जाएंगे, कंपनी उनका वीज़ा रिन्यू करेगी। जी हाँ, आप इंडियन लोगों का क्या होगा जी, सोचने की बात है ना भाई। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान दो हैं, लेकिन यूएई में तो कानून सेम होता है ना, यानी दोनों के साथ अलग अलग थोड़ा हो सकता है, सेम कानून है तो सेम प्रोसेस रहना चाहिए। एक कंपनी में 10,000 लोग हैं, 3,000 पाकिस्तानी हैं, 5,000 इंडियन है, तो क्या उनका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा, इंडियन लोगों का नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो उनकी कंपनी रिन्यू करेगी, तो आपको भी भाई आपकी कंपनी वीज़ा अगर एक्सपायर हो गए तो आपको अपनी कंपनी से कॉन्टेक्ट करना होगा, क्योंकि वीज़ा रिन्यू या वीज़ा एक्सटेंड करवाना, वीज़ा का ग्रीन आपको वो लिस्ट में आना, सब कुछ ये प्रोसेस आपकी कंपनी ही करेगी, क्योंकि कंपनी ही वहाँ पे पीआरओ में जाती है, समझ गए, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, वही वो सब कुछ करेगी। यहाँ पे आपको माथापोड़ी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कंपनी आपकी अच्छी है, आपकी रेपुटेशन ठीक है, आपकी आपको कंपनी को आपकी ज़रूरत है तो आपको बुला लेगी, वरना टाटा बाय बाय, आपका बोनस, आपकी सैलरी, सब कुछ गया जी, खा गई कंपनी, समझ गए बात को, तो ये हो सकता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, कंपनी से कॉन्टेक्ट करें, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। जी हाँ, अब भाई फ्लाइट की हम बात कर लेंगे, मेन टॉपिक है हमारा फ्लाइट के बारे में। देखिए जी हाँ, इंडिया की दुबई से पिछले 3.5 महीने से 3 महीने से प्लस हो गया, फ्लाइटें बंद हैं, आप सबको पता है। लेकिन क्या 3 महीने से आपकी टिकट बुकिंग बंद हुई, क्या 3 महीने से आपके वीज़ा मिलने बंद हुए, 3 महीने से फ्लाइटें बंद हैं, आप मान के चल सकते हैं ना कि 2 महीने, जिनके 2 महीने के लगभग लोगों के जितने भी वीज़ा निकले थे हज़ारों की संख्या में, टोटल के टोटल वीज़ा बंद हो गए। जी हाँ, आप यार एक बात बताइए यार, यूएई सरकार ने जब फ्लाइटें ओपन करके बंद करके रखी हैं तो फिर वीज़ा बंद क्यों नहीं किया, ये एक टॉपिक सोचने की बात है ना, ये पॉइंट आता है ना कि भाई जब, समझ रहे हो बात को, जब फ्लाइटें बंद हैं, उनको पता है फ्लाइटें बंद हैं, तो फिर वीज़ा क्यों दे रही है, टिकटें बुकिंग क्यों हो रही है, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये है एक माइंड गेम प्लान होता है भाई बिजनेस का बहुत बड़ा,
बेवकूफ़ बना के लोगों को धोखा दे के पैसा कमाने वाली नीति इसको बोल सकते हैं। जी हाँ, अभी तक कितने लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए, कितने लोगों की टिकट किसी को रिफंड नहीं मिला, या मिल भी जाता है टिकट की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि टिकट आपने टिकट की भी अगर बात करें तो टिकट आप ही बुक करवाई है कि आपने मान लो 50,000 में, जब टिकट फ्लाइटें ओपन होंगी तब तक आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होगा, या फिर आप दूसरा वीज़ा लेके उसी टिकट में ट्रेवल करोगे तब उस टिकट का भाव आ रहा होगा 10 से 15,000। तो आपको चूना लगाया ना कंपनी ने 25-30,000 रुपये का, लग गया ना चूना, वीज़ा एक्सपायर हो गया, लग गए ना चूना, आपको कितने में पड़ता है, 17-18-20,000 में 3 महीने वाला वीज़ा पड़ता है, ये पैसा लग रहा है ना। ये सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रही है, मेरी जहाँ तक सोच है, आप समझ सकते हैं इस बात को। क्योंकि जब यार पता है कि जब फ्लाइटें बंद है तो वीआई सरकार वीज़ा जारी क्यों कर रही है, वीज़ा सरकार देती है ना, किसी के बाप की तो नहीं है कि वो प्रिंटर मशीन के छाप के लोगों को दे रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, वीज़ा तो सरकार की अनुमति से मिल रहा है वीआई सरकार की। और जब फ्लाइटें बंद हैं, समझ रहे हो बात को, फ्लाइटें बंद है जी, टिकट भी बुक करवा लो, पैसे दे दो, वीज़ा भी ले लो, और हम लेके आपको फ्लाइटें नहीं देंगे। तो ये तो हो गई एक बात, और जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, फ्लाइटें टिकट कैंसिल हो रही हैं, उन जैसे बेवकूफ़ लोगों को मैं कुछ नहीं मानता। जी हाँ, यहाँ गाली तो मैं नहीं दे सकता उनको, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बैठे हैं, सोचने की बात है ना। अरे यार, जब पता है कि टिकटें बंद हैं, फ्लाइटें बंद हैं, तो झक मारने के लिए वीज़ा और टिकट ले रहे हो, सोचने की बात है ना। अरे भाई, आपको पता है कि जब फ्लाइटें चालू होगी तब भी तो टिकट मिल सकती है ना आपको, टिकट फ्लाइटें चालू होने के 5 दिन बाद ले लो ना, कौन मना करता है। और वीज़ा रही बात वीज़ा की, वीज़ा अभी लोग कमेंट करते हैं, सर जी मेरे वीज़ा एक्सपायर। अरे भाई, वीज़ा एक्सपायर होना ही था आपका, 2 दिन में वीज़ा निकल जाता है, कौन से वहाँ पे आपको राष्ट्रपति से मिलना था कि आपकी मीटिंग कैंसिल हो रही थी, जाना तो वहाँ पे वर्कर के मजदूरी के करने के लिए तो जाना था ना मेन टारगेट, तो या विजिट में जाना था या किसी भी, तो वो तो बाद में भी ले सकते थे। अभी वीज़ा 20,000 का माथे में सिर में खा के बैठे हैं, टिकट का खा के बैठे हैं, आराम से बर्बाद हो गए जी, समझ रहे हो बात को। तो गलती वो तो उनकी तो है ही है, गलती आप जैसे लोगों की भी है जिनके वीज़ा एक्सपायर करवाए बैठे बैठे लेके टिकट बुक करवाए। अभी मैसेज आप कितने ही बार वीज़ा ले लो, कितनी बार टिकटें ले लो, लोगों को मैसेज वीडियो देखते रहो, लोगों को कमेंट करते रहो, सर मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, सर मेरी टिकट एक्सपायर हो रही है, ले ले, किसको पूछ के आपने भाई टिकट और वीज़ा लिए थे, एजेंट को पूछा, एजेंट ने आपको वीज़ा दिया है तो उनसे उनके जबड़े में हाथ डाल के पैसे निकाल सकते हो कि भाई तूने वीज़ा दिया था, अब मैं नहीं जा पाऊंगा तो मैं वीज़ा का पैसा क्यों दूंगा, मेरा पैसा रिफंड कर। आपने अपने स्तर पे लिया है तो भाई और भोग लेना, और ले लेना, दोबारा ले लेना, तिबारा ले लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत पैसे हैं आप लोगों के पास, समझ गए बात को। साफ साफ दिख रहा है कि फ्लाइटें बंद तो वीज़ा और टिकट क्यों, लेने वालों की कितनी बड़ी गलती है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना मेरे को इस बात का, समझ रहे हो। तो बिल्कुल इस बात का आगे भी ध्यान रखिए, सतर्क रहें कि भाई वीज़ा और टिकट बिल्कुल नहीं लेनी है, ये है ना बेवकूफ़ बना रही हैं फ्लाइटें आपको बार बार टिकटों का नाम ले ले बात को। यही प्रोसेस सिर्फ एशियन कंट्री के साथ लागू हो रहा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। एशियन कंट्री मतलब गरीब कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, या फिर ये नाइजीरिया, फाइजीरिया, उधर की जो देश हैं गरीब अफ्रीकन टाइप, इन्हीं देशों की सिर्फ फ्लाइटें बंद हैं, 16-17-18 कंट्री है ना, बाकी तो सब प्रोसेस नॉर्मल तरीके से चल रहा है, सब फ्लाइटें आ रही हैं, टोटल यूरोपियन कंट्री हैं, लोग डॉलर में एक्सचेंज करवा के दुबई पहुंच रहे हैं, उनको नहीं तो कोई कोरोना होता है, नहीं उनकी वजह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई सरकार को, आप जैसे गरीब मजदूर लोगों से दिक्कत है भाई, समझ गए मेरी बात को। ये जो 16-17 कंट्री को बैन करके रखा है, इनमें से भी अच्छे अच्छे लोगों को निकाल के लेके जा रही हुई सरकार, आपको पता होगा गोल्डन वीज़ा वाले अच्छे लोग हैं, सिल्वर वीज़ा वाले, 5 ईयर्स वीज़ा जिसको मैं सिल्वर वीज़ा बोलता हूँ, 5 ईयर्स वीज़ा वाले लोग लेके जा रही हैं। अभी 2020 एक्सपो के नाम से जिनमें एक्स्ट्रा योग्यता है, जिनके पास पैसा है, स्पेशल इनवाइटेशन मिल रहा है उनको एक्सपो की तरफ से, उनको लेके जा रही है। जबकि आप वीज़ा ले सकते हो वी सरकार से, आप टिकट बुक करवा लो, आप वीज़ा ले लो, आपको वो देने के लिए तैयार है, लेकिन फ्लाइटें नहीं देने वाले, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो अभी भी अगर आप टिकट और वीज़ा ले रहे हो तो आप जैसा मूर्ख इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। बाकी पता नहीं क्या टिकटें बुक करवा रहे हो, वीज़ा क्यों ले रहे हो जी, जब फ्लाइटें बंद है वीज़ा लेना जरूरी है, 2 दिन में वीज़ा मिलता है, 5 मिनट में टिकट मिलती है, फिर एडवांस टिकट बुकिंग वीज़ा की क्या ज़रूरत पड़ गई, सोचने की बात है ना। अभी भी अगर वीडियो देखने अभी भी आप बच सकते हैं तो बचें इन चीज़ों से, ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा फालतू में जाएगा, और आप लिख के ले लेना, मुझे नहीं लगता कि वीआई सरकार आपका वीज़ा रिन्यू करेगी, एक्सटेंड कर देगी, या बोल देगी जी हाँ जी पुराने वीज़े जिनके इतने टाइम में एक्सपायर हुए हैं वो वीज़ा लेके आप पहुँच जाओ, हम आपको एंट्री दे देंगे, मुझे तो नहीं लगता जी ऐसा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में ऐसा नहीं हुआ तो अभी कैसा कर देगी,
यह तो एक फंडा है ना कमाने का पैसा। कितनी घटिया सोच है ये, जब जिन देशों की फ्लाइटें बंद है उन देशों को लोग वीजा दिए जा रहे हैं और आप लोग लिए जा रहे हो। बस साथियों ये अपडेट देनी थी, हालांकि वे ने एक और अपडेट डाली है कि भाई वे सरकार एयरलाइंस ने घोषणा करती है जी हमने सऊदी के लिए फ्लाइटें 10 अगस्त तक सस्पेंड कर दी है। अगर सऊदी ने तो आपको पहले से बैन करके रखा है, आपने क्या सस्पेंड कर दिया? सऊदी ने तो खुद वे को बैन करके रखा है। सऊदी एयरलाइंस बोलती है हमने दुबई के लिए फ्लाइटें सस्पेंड कर दी हैं। आप बताओ जी, दो हैं सऊदी हैं कुवैत हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फ्लाइटें स्टॉप हैं, तो आपका तो फिर वो भी आप लोगों की वजह से बंद किए हैं कि भाई इधर के उधर लोग नहीं पहुँच जाओ, आप इस वजह से बंद किया है। एक्सपो में सिर्फ करोड़पति अरबपति लोग पहुँचेंगे, गरीबों को नो एंट्री। जहाँ तक मेरा ओपिनियन, मेरी सोच है, ये हकीकत ही है, आप लोगों को मानना पड़ेगा। बस ये अपडेट देना था साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।